जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल साइंस विद रोहित सर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। तो वो लाइन है कुछ इस तरीके से कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल मिल ही जाएगी, आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल मिल ही जाएगी, हौसलों के इस कोशिश में कल जिंदगी रंग जरूर लाएगी, हौसलों की इस कोशिश में कल जिंदगी रंग जरूर लाएगी। तो मेहनत करो, निरंतर अभ्यास करो और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, इतनी गारंटी मैं लेता हूं भाई। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय भी बोलते हैं हम इसे, दिल भी बोलते हैं, हार्ट भी बोलते हैं, बट इसको हम साइंस की भाषा में कार्डियो बोलते हैं वायु की भाषा में। इसलिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ द स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी, 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 तो हार्ट की स्टडी करने को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी, यानी जिस ब्रांच के अंदर हार्ट की स्टडी की जाती है वायु में उसे बोला जाता है कार्डियोलॉजी। बट जो हार्ट के एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो इस पर पीएचडी कर लेते हैं, याद रखना, उन्हें बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। दूसरी सबसे बड़ी बात भाई कि ये हार्ट है क्या, तो हार्ट के बारे में तीन चार बातें आपको याद रखना। इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गेन, मस्क्यूलर ऑर्गेन, यह एक पेशीय अंग है, पेशीय अंग है। तो एक बात याद रख लेना, हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट का मैक्सिमम पार्ट जो है वो मसल से बना है, मस्क्यूलर ऑर्गेन है, इसका मतलब वो मसल से बना हुआ है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका मेन काम है पंप द ब्लड, पंप, पंप द ब्लड टू ऑल ऑर्गेन्स, यानी रुधिर, रुधिर को पंप करता है, इसका काम क्या है, रुधिर को पंप करना, रुधिर को पंप करता है ये। तो दो बातें आपको याद रख लेना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, और जो कार्डियोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गेन्स, तीसरा पार्ट इसका काम है ब्लड को पंप करना शरीर के सभी ऑर्गेन्स तक। दूसरी बात हम करते हैं बेटा कि इसका वेट कितना होता है, यदि आपसे इसका भार पूछा जाए तो इसका भार जो होता है वो ऑन एन एवरेज, यानी औसत यदि हम बात करें तो ये लगभग 300 ग्राम होता है। लेकिन यही बात यदि मैं एक इन्फेंट की करूं, एक इन्फेंट, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, एक बच्चा, तो बच्चे के अंदर 25 से लेकर के 30 ग्राम तक का ये हार्ट का वजन हो सकता है। इसका आकार कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगी सर हमारे हार्ट का आकार कैसा होता है, तो इट इज अ फिस्ट शेप, फिस्ट शेप का मतलब मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी के आकार का, और वो भी मुट्ठी कैसा होना चाहिए, बंद मुट्ठी के आकार का। तो हमारा हार्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, हार्ट का जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वो याद रख लेना आप सभी लोग। तो बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट होता है। उसके बाद यदि मैं अगली बात आप लोगों को हार्ट से रिलेटेड बताऊं, तो ये हार्ट है कहां, तो हार्ट हमारी लोकेशन की बात आपसे करेगा कि हृदय है कहां, हार्ट है कहां, ठीक है, इसकी स्थिति हमारे शरीर में है कहां, तो बोलना चेस्ट कैविटी में है ये, किसमें, चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी का मतलब है वक्ष गुहा, और वक्ष गुहा हमारा कौन सा भाग है, यानी एब्डोमल से ऊपर वाला, नीचे जो हमारा पेट है जिसे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, तो एब्डोमिनल कैविटी से जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, जिसके अंदर हमारे दोनों लंग्स आते हैं, और दोनों लंग्स में से जो हमारा लेफ्ट लंग है उसी के नीचे कार्डिक नोच बना हुआ है, जिसके अंदर मौजूद है हमारा ये हार्ट, ठीक है। तो मैं आपको ये बना करके दिखा देता हूं चेस्ट कैविटी में ये होता कहां पर है, चेस्ट कैविटी में ये होता कहां पर है दोस्तों, तो
वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो तीन चार बातें जो मैंने आपको बताया है उसे आप लोगों को याद रखते चलना है। अब मैंने आपको रेस्पिरेशन के टॉपिक में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि जो हमारा लंग्स है वो हमारे शरीर में दो लंग्स है, ठीक है। हमारे शरीर में कितने लंग्स है बेटा? तो हमारे शरीर में दो लंग्स है, एक लंग्स कुछ इस तरीके से है और दूसरा लंग्स कुछ इस तरीके से, एक लंग्स बड़ा है दूसरा लंग्स छोटा है, दूसरा लंग कुछ इस तरीके से है। लेकिन इस लंग के बीच में यहां पर थोड़ा सा क्या आता है बेटा? जगह आ जाता है, थोड़ा सा यहां पर क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। इसी को बोला जाता है कार्डियक नोज। और इसी कार्डियक नोज के अंदर याद रख लेना दोस्तों क्या है मौजूद? हमारा हार्ट मौजूद है। यहीं पर क्या मौजूद है? हमारा हार्ट, हमारा हृदय मौजूद है, हमारा हृदय, हमारा हार्ट या हमारा दिल मौजूद है। कहां पर? तो यह है हमारा लेफ्ट लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग यानी बायां फेफड़ा। इस बाएं फेफड़े के नीचे ये मौजूद है। बात आती है कि सर ये लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है? तो मैं बता दूं, ये जो ह्यूमन हार्ट है ये बीच में है। इस बीच वाले पोर्शन को, इस खाली पोर्शन को, इनके बीच को बोला जाता है मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम बोलते हैं इसे, मीडिया स्टेनम। क्या है ये मीडिया स्टेनम? तो दो लंग के बीच में जो थोड़ा सा ब्लैंक्स है, दो फेफड़ों के बीच में जो थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, उस जगह को, खाली जगह को बोला जाता है मीडिया स्टेनम। क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम। और इसी मीडिया स्टेनम में लेफ्ट लंग की तरफ ये बात दिखाई दे रहा है। अब याद रख रहे हैं आप सभी लोग कि ह्यूमन का जो हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, होता तो वो बीच में इसी मीडिया स्टेनम वाले भाग में होता है, लेकिन 99% लोगों में, लगभग 99% लोगों में इसका झुकाव लेफ्ट की तरफ 70-80% होता है। यानी लेफ्ट की तरफ इसका झुकाव होता है, लेफ्ट की तरफ 70-80% झुका होता है। यदि ये लेफ्ट की तरफ 70-80% झुका है तो आपको ये किस तरफ दिखाई देगा? लेफ्ट की तरफ, यानी आपको लेफ्ट की तरफ फील होगा, कभी भी राइट की तरफ फील नहीं होगा। लेकिन 20% याद रखना राइट की तरफ भी ये झुका होता है, राइट की तरफ केवल 20-30% झुका हुआ है। तो हमारा जो हार्ट है वो हमारे मीडिया स्टेनम के साथ लेफ्ट लंग की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। लेकिन 1-1.5 लाख लोगों में एक आध व्यक्ति आपको ऐसा भी मिलेगा जिसका हार्ट 70-80% राइट की लंग की तरफ झुका हुआ मिलेगा। इसलिए वो लोग कह देते हैं कि मेरा हार्ट जो है वो राइट लंग की तरफ है। तो याद रखना हार्ट इधर नहीं है, हार्ट तो बीच में ही होता है, लेकिन उसका झुकाव किधर है ये वेरी करता है कि वो आपको फील राइट की तरफ होगा या लेफ्ट की तरफ होगा। तो मैक्सिमम 90% लोगों के शरीर में जो लंग के नीचे हार्ट है, 70-80% झुकाव उसका लेफ्ट लंग की तरफ है और इधर 20-30% झुकाव है। इसलिए इसकी पोजीशन बोलना लेफ्ट साइड। लेकिन मैंने बताया कि 1-1.5 लाख लोगों में 1 लाख लोगों में एक आध ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके लंग का झुकाव राइट की तरफ 70-80% होगा, तो उनका लंग से ऐसा फील होगा कि उनके राइट में, बट होता क्या है वो बिल्कुल मीडिया स्टेनम के सिर्फ बिल्कुल बीच में, जिस स्पेस को बोलते हैं कार्डियक नोज, जिसे हम कार्डियक नोज या हृदय गुहा भी कह देते हैं। तो ये बात भी आपको पता चल गई होगी कि ये हमारे शरीर में कहां पर स्थित है। इतनी बात यदि आपके समझ में ना आई हो तो बताना बेटा। अब बात करते हैं हार्ट चेंबर की। ये हार्ट चेंबर होता कितना है? तो अलग अलग जीवों में हार्ट चेंबर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब किसमें हार्ट चेंबर कितना होता है तो उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यदि मैं बात करूं हार्ट चेंबर, इसे बोलते हैं हृदय कोष्ठक। तो हृदय कोष्ठक कितने होते हैं तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं फिश मछली की, तो मछलियों के अंदर हार्ट होता है, लेकिन उसके हार्ट में
चेंबर कितना होता है? तो बोलना सर ये है मछली का हार्ट, और मछली के हार्ट में केवल दो चेंबर होगा, एक अपर एक लोअर। बट यदि मैं बात करता हूं एम्फीबियन की, जिन्हें हम उभयचर बोलते हैं, जिन्हें उभयचर बोलते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन, एम्फीबियन वो होते हैं जो, याद रख लेना, जो जल पर भी रह सकते हैं, जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और सरफेस पर भी रह सकते हैं, वो स्थल पर भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक। जैसे कौन? मेंढक। तो इनके अंदर याद रख लेना, इनके अंदर तीन हार्ट चेंबर होता है, तीन हार्ट चेंबर होता है कुछ इस तरीके से। एम्फीबियन में तीन हार्ट चेंबर होगा। बाकी यदि मैं तीसरी बात करूं रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स की, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सरीसृप, सरीसृप बोलते हैं। या एक और छोटी सी बात, यदि मैं इसके साथ साथ मेमल्स को भी ऐड कर दूं, तो मेमल्स जो हैं इनके अंदर भी, या इनको अलग अलग बता देता हूं मैं, इनकी बात यदि करें तो इनके अंदर कितना चैम्बर है दोस्तों? चार चैम्बर है। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं मेमल्स की, मेमल्स की, तो मेमल्स को हम बोलते हैं स्तनधारी, और हम स्तनधारी के अंदर आते हैं। तो स्तनधारियों में भी कितना चैम्बर होगा? तो बोलना सर चार चैम्बर होगा। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा था कई बार कि मानव का हार्ट चैम्बर कितना होता है, वो तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बट फिश के अंदर दो हार्ट चैम्बर होगा, अपर और लोअर। उभयचर के अंदर, एम्फीबियन के अंदर तीन हार्ट चैम्बर होगा, दो अपर में होंगे और लोअर एक ही होगा। बट रेप्टाइल्स और मेमल्स के अंदर चार हार्ट चैम्बर होते हैं, दो अपर की तरफ, दो लोअर की तरफ। हमें जो पढ़ना है वो केवल और केवल मेमल्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब हम हार्ट के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब हार्ट का स्ट्रक्चर यदि मैं उस तरह से बनाऊं जिस तरह से बुक में आपको दिया हुआ है, तो फिर उसे हम सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इसके इंटरनल की चीजों को समझाने के लिए हम हार्ट का एक रफली स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ताकि हर चीज हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए तो मैं हार्ट बना रहा हूं, ये हमारा हार्ट है। ठीक है भाई, ये है हमारा हार्ट। अब यदि ये हमारा हार्ट है, तो सबसे पहली बात, इस हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, एक लेयर बनी हुई है, जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। इसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बना, ह्यूमन हार्ट के चारों तरफ जो एक ये मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? तो याद रखना, ये सबसे पहली लेयर है जिसने हार्ट को सुरक्षा दिया हुआ है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में दो चीजें होती है, वो आप लोगों को याद रखना है। पेरिकार्डियम एक फाइबर से मिलकर बना हुआ है, इसे बोलते हैं फाइब्रस, और दूसरे को बोलते हैं सिरोस। पहले को बोला फाइब्रस, दूसरे को बोला सिरोस। फाइब्रस क्या होता है, तो इसको मैं पूरा बना ही देता हूं भाई, इसको मेम्ब्रेन को मैं पूरा बना रहा हूं, ये लो इसका मेम्ब्रेन में पूरा बना दे रहा हूं, ताकि अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर फाइबरस कुछ इस तरीके से फाइबर का निकला हुआ रहता है। तो ये है हमारा फाइबर। ठीक है, ये है फाइबर, यानी फाइबरस पार्ट। लेकिन इसी फाइबरस पार्ट के साथ कुछ इस तरीके से ये लिंक होते हैं एक दूसरे से, जिनको बोला जाता है सिरोस। जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिरोस बोलते हैं। ये सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं, जिनको बोला जाता है सिरोस। जिनको हम क्या बोलेंगे? सिरोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिरोस। ठीक है, और इन्हीं के सिरोस के बीच में यहां पर एक फ्लूड भरा हुआ होता है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ मिलेगा, एक फ्लूड भरा हुआ मिलेगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ इस फ्लूड का पार्ट, इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूड, पेरिकार्डियम
फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड्स, ठीक है, पेरिकार्डियम फ्लूइड। दो बातें आप लोगों को याद रखना है सर, ह्यूमन हार्ट के चारों तरफ जो लेयर बनी हुई है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम दो लेयर से मिलकर बना हुआ है, पहले लेयर का नाम है फाइब्रस और दूसरा जो है उसका नाम है सिरोस। तो फाइब्रस और लेयर सिरोस इन दोनों ने मिलकर के हमारे ह्यूमन हार्ट को एक सुरक्षा दे रखा है। दूसरी बात, इस पेरिकार्डियम और फाइब्रस के बाद यहां पर एक फ्लूइड भरा होता है जिस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। इतनी बात आप लोग याद रखना। अब ये ह्यूमन का हार्ट है, इसे हम बांट रहे हैं चार चेंबर में। कितने चेंबर में बांट रहे हैं दोस्तों? चार चेंबर में। तो ये जो चार चेंबर में जिसने बांटा है उसको बोला जाता है सेप्टम। इसे क्या बोलते हैं? सेप्टम। और सेप्टम्स है क्या, ये किससे बना है? ये मसल से मिलकर बना हुआ है, ये याद रख लेना। ये पेशियों से मिलकर बना हुआ है, किससे? पेशियों से। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गेन, और यदि मानव का हृदय एक मस्कुलर ऑर्गेन है तो इसके अंदर की 99% जो चीजें हैं वो मसल से मिलकर तैयार हो रखी है। अब ये बात आप लोगों को पता चल गई। अब याद रखना, इस चार जो हमारे इधर पार्ट हैं, इन चारों के नाम अलग अलग हैं। इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट राइट ऑरिकल या एट्रियम, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। हिंदी में इसे बोलते हैं दाया अलिंद, इसे बोलेंगे दाया निलय, इसे बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट ऑट्रियम भी इसे बोल सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे बायां अलिंद, बायां अलिंद। और नीचे वाले को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल या इसे बोलेंगे बायां निलय। तो इतनी बातें आप लोग याद रख लेना ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया, अब आगे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे मैं लिखूंगा, फिर इसका एक बार डायग्राम बना रहा हूँ कि ह्यूमन हार्ट जो है वो जिस लेयर से मिलकर बना है उसका नाम है पेराकार्डियम। पेराकार्डियम दो लेयर से मिलकर बना है, फाइब्रस और सिरोस से। फाइब्रस और सिरोस के बाद ये जो हमारी है ये मसल्स ऑर्गेन्स है, ये मसल्स, ये मस्कुलर है, ये वाली लेयर है हमारी। अब एक बात याद रखना कि इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। इतनी बात में उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों के अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, भेजे में उतर गई होगी। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये ब्लड का सर्कुलेशन करता कैसे है और इसके किस किस पार्ट का यूज होता है ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर। और ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड का दोहरा परिसंचरण होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। बट ये डबल सर्कुलेशन कैसे होता है तो चलिए इस चीज को हम एक एक करके अब हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा था, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखनी है और उसको मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा जो मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है बेटा। तो कुछ चीजों को मैं लिखूंगा, कुछ चीजों को मैं नहीं लिखूंगा। तो ध्यान से देखना आप सभी लोग, इधर वाले इस पार्ट को हमने बोला था क्या? तो बोलोगे सर इसे हमने बोला था राइट ऑट्रियम। क्या बोला था? राइट ऑट्रियम या राइट ऑरिकल। इसे बोला था राइट वेंट्रिकल, इसे हमने बोला लेफ्ट ऑरिकल, इसे हमने बोला लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात आप सभी लोगों को याद रख लेना है। अब बात आती है कि हमारे सभी शरीर के अंदर कोशिकाएं जो मौजूद है, जो हमारे शरीर की जितनी भी सेल है, जितनी भी कोशिका है, उन कोशिकाओं के अंदर एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा को बनाना। और ऊर्जा बनाने के लिए जो उसके पास क्या है? ग्लूकोज है। उस ग्लूकोज का वो करती है ब्रेकडाउन कैसे? तो देखना, ये C6H12O6,
जब इसे ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन मिलने के बाद इसने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर दिया और ब्रेकडाउन करने के बाद उसने एक एनर्जी बनाई जो एटीपी के फॉर्म में था। लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हुआ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड याद रख लेना ब्लड में घुल जाती है। कहां घुल जाती है मेरे दोस्त? ब्लड में घुल जाती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाए उस ब्लड को बोला जाता है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त, ठीक है। इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन एक और बना कि मानव के हार्ट में जो चार चैंबर है उन चार चैंबर में से किस चैंबर में प्योर ब्लड होता है और किस चैंबर में इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये जो हमारे पास राइट ऑरिकल है इस राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर बोले तो CO2 वाला। इधर भी जो होगा CO2 वाला, इधर जो होगा O2 वाला, इधर होगा O2 वाला। तो लेफ्ट राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है। प्योर बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कम हो और ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा हो। इम्प्योर बोले तो ऑक्सीजन की मात्रा जिस ब्लड में कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिस ब्लड में ज्यादा हो। तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं ने क्या बनाया? ऊर्जा बनाया। ऊर्जा नहीं बनाएगा तो उसको काम करने के लिए याद रखना पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलेगी और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो डेड हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ऊर्जा बनाया। लेकिन ऊर्जा के बनाने के साथ साथ वो एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स हो गया और मिक्स होने के बाद अब ये शरीर की सारी जो कोशिकाओं में जो इम्प्योर ब्लड है वो सारा का सारा इम्प्योर ब्लड हमारा कहां पर आएगा? इस जगह पर आएगा जिसका नाम है राइट ऑरिकल। क्या नाम है जिसका दोस्तों? राइट ऑरिकल। और इस राइट ऑरिकल में कौन लेकर के आएगा? तो इस राइट ऑरिकल में दो लंग्स हैं, दो वेंस हैं, दो नसें हैं जिसमें से एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। अब कहोगे सर इस सुपीरियर वेना कावा में भी इम्प्योर ब्लड है और इन्फीरियर वेना कावा में भी इम्प्योर ब्लड है, तो ये सुपीरियर वेना कावा कहां के इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगा हार्ट में और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो कहां से? तो याद रखना ये जो हमारा हार्ट है, क्या है? हार्ट। हार्ट से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है इन सभी पार्ट के ब्लड को लेकर के इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगा सुपीरियर वेना कावा और बॉडी के नीचे वाले पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगा वो इन्फीरियर वेना कावा। याद रखना शरीर के ऊपरी हिस्से कहां? हार्ट से, लंग से, ऊपर वाले हिस्से से, हमारी हार्ट से, खोपड़ी से, कान से, सभी जगह से जो इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगा वो सुपीरियर वेना कावा और नीचे से पैर से, पेट से, सभी से लेकर के जो आएगा वो कौन लेकर के आएगा? इन्फीरियर वेना कावा। अब यहां पर आ गया है कौन सा ब्लड मेरे दोस्तों? इम्प्योर ब्लड। अब क्या आ गया? इम्प्योर ब्लड। अब यदि ये इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आता जाए तो ये भरता जाएगा और भरने के बाद या तो क्या होगा ये फट जाएगा या फिर क्या होगा ये पूरा का पूरा हार्ट फट जाएगा। ऐसा ना हो इसीलिए यहां पर तीन वॉल्व लगे हुए हैं। कितने वॉल्व लगे हुए हैं दोस्तों? तीन वॉल्व लगे हुए हैं और इन तीनों वॉल्व को बोला जाता है, तीन को बोलते हैं साइंस में ट्राई। तो इसका नाम है ट्राई कस्पीड वॉल्व। हिंदी में से बोलते हैं त्रिक पर्दी कपाट। तो यहां से अब याद रखना जैसे जैसे ये पूरा का पूरा राइट ऑट्रियम हमारा फिलअप हो जाएगा इस CO2 वाले ब्लड से तो इस ट्राइकस्पिड के ऊपर एक प्रेशर लगेगा, एक दाब लगेगा और जैसे दाब लगेगा तो ये ट्राइकस्पिड वाले ओपन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा? ये तीनों के तीनों वॉल्व
ओपन हो जाएंगे और ऊपर का ब्लड धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगेगा। और जैसे जैसे धीरे की ओर नीचे की ओर ये राइट वेंट्रिकल हमारा पूरा का पूरा भर जाएगा, तो इस राइट वेंट्रिकल में यहां से एक नस गई हुई है जो हमारे इस वॉल्व से जुड़ी हुई है, इसको बोला जाता है, इसके अंदर भी धीरे धीरे ब्लड भर जाएगा। इसको हमने क्या बोला है, तो इसको बोलते हैं सेमी लुनार वॉल्व। इसको बोला जाता है दोस्तों सेमी लुनार वॉल्व, इसे बोलते हैं अर्ध चंद्र कपाट। किसे हमने बोला, इसको बोला है। तो अब याद रखना यहां से जो ब्लड जा रहा है इसके अंदर कैसा ब्लड है, तो बोलना सर इंप्योर ब्लड है क्योंकि इसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है। और जो इंप्योर ब्लड को कहां तक लेकर के जाएगा, तो ये लेकर के जाएगा बेटा एल्विओलाई और एल्वियोली कहां का पार्ट है, तो आपको पता है ये पार्ट है हमारा लंग का। किसका पार्ट है, लंग का। तो यानी इंप्योर ब्लड को हार्ट से इंप्योर ब्लड को लंग्स तक लेकर के जो नस आती है उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में इसे बोलते हैं फुसफुस धमनी। और अब यहां से लंग क्या करेगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा नाक के द्वारा और ऑक्सीजन को उसके अंदर घोल लेगा। अब घोलने के बाद ये ब्लड कैसा हो गया मेरे दोस्तों, ये प्योर ब्लड हो गया है। और जो प्योर ब्लड है वो याद रख लेना आप सभी लोग, जो प्योर ब्लड है इस प्योर ब्लड को धीरे धीरे ये लंग्स कहां पर ट्रांसमिट कर देगा, ये हमारे कौन से वाले पार्ट में, तो याद रखना लेफ्ट ऑट्रियम। अब लेफ्ट ऑट्रियम में क्या गया, प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड बेटा, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त आ गया। शुद्ध रक्त कहां आ गया, तो याद रखना लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट ऑट्रियम में। अब यहां से ये धीरे धीरे भरता जाएगा और यदि ये धीरे धीरे भरता गया और इसको खुलने की जगह ना मिले तो ये भी फट जाएगा। तो फटने से बचने के लिए यहां भी दो बॉल बनाए गए और यहां पर दो हैं, तो दो को बोला जाएगा बाई कस्पीड वॉल। इतनी बात याद रखना, कितने बाई कस्पीड वॉल। अब जैसे जैसे ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल रक्त से भरेगा तो इस बाई कस्पीड वॉल के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, एक दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने से इसके जो नलियां हैं वो ओपन हो जाएगी और ऊपर का ब्लड धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ये कैसा ब्लड है दोस्तों, ये शुद्ध ब्लड है। और हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को कैसा ब्लड चाहिए, शुद्ध ब्लड ही चाहिए। तो इस शुद्ध ब्लड को इस लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो इसको जो पहुंचाता है उसका नाम है आयोटा। इसका नाम है आयोटा। क्या नाम है, आयोटा, ठीक है। और इसी में एक वॉल्व आपको नजर आ रहा है जिसको बोलेंगे आयोटिक वॉल्व। क्या इसे हमने बोला, आयोटिक वॉल्व यानी आयोटा। और ये आयोटा में है प्योर ब्लड और ये प्योर ब्लड को पंप करके शरीर के सभी अंगों तक उसे आसानी से पहुंचा देगा, ठीक है। तो देखो इंप्योर ब्लड को हमने प्योर भी कर लिया और उसे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा भी दिया। कैसे, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं से ऊर्जा के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए जहर का काम करती है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड अपने अंदर घोल लेगी और घोलने के बाद उसे हार्ट तक ले जाएगी। हार्ट के किस पार्ट में ले जाएगी, राइट ऑरिकल या राइट ऑट्रियम में ले जाएगी। राइट ऑट्रियम में कौन लेकर के जाएगा सर, या तो सुपीरियर वेना कावा लेके जाएगा या फिर इंफीरियर वेना कावा लेके जाएगा। उसके बाद तीन वॉल्व खुल जाते हैं जिनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ट्राइकस्पिड वॉल्व धीरे धीरे हमारा किसके अंदर आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। और राइट वेंट्रिकल जब धीरे धीरे पूरा भर जाता है कैसे ब्लड से, इंप्योर ब्लड से, तो उसमें एक सेमी लुनार वॉल्व होता है जिससे एक आर्टरीज निकली हुई होती है
जो डायरेक्ट लंग्स तक जाती है, और सेमी लुनार वल्व फिर हाई प्रेशर की सहायता से उस इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचा देगा, और लंग्स नाक के माध्यम से धीरे धीरे ऑक्सीजन को कहां लेके जा रहा है, नीचे की ओर लेके जा रहा है, और वो ऑक्सीजन को अपने ब्लड के अंदर घोल लेगा। और जो शरीर के सभी अंगों से इम्प्योर ब्लड आया था जिसके अंदर CO2 था, उसे नासिका के द्वारा बाहर निकाल देगा। अब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुल चुका है, यानी वो प्योर ब्लड हो चुका है, और वो प्योर ब्लड फिर किस वेंस के द्वारा, तो याद रखना इसको बोलते हैं पुल्मोनरी वेंस। यहां मैंने लिखा नहीं है, इसका नाम है पल्मोनरी वेंस। इस पल्मोनरी वेंस में याद रखना प्योर ब्लड है, और पल्मोनरी आर्टरीज में कैसा है, इम्प्योर ब्लड है। इसमें कैसा ब्लड है, इसमें इम्प्योर ब्लड है, इसमें अशुद्ध रक्त है। तो पल्मोनरी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लेकर गए, लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन को घोल दिया जिससे वो शुद्ध हो गया। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो बोलना लंग्स के अंदर होता है। अब रक्त शुद्ध हो गया, और वो शुद्ध वाला रक्त पल्मोनरी वेंस के माध्यम से हमारे कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद जब ये पूरा भर जाएगा तो ये बाइकस्पेड वॉल्व ओपन हो जाएगा, और वो धीरे धीरे ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा, और फिर एकदम से वो प्रेशर लगाएगा और इस ब्लड को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देगा। तो इस तरीके से इम्प्योर ब्लड हमारा प्योर हुआ और शरीर के सभी अंगों तक पहुंच गया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि शरीर के सभी अंगों तक ब्लड को पहुंचने में, या ह्यूमन को ये प्रोसेस पूरा जितना मैंने समझाया है इसे करने में कितना समय लगता है, तो एक बार धड़कने का मतलब ब्लड को पंप करने में, जब एक बार ब्लड को पंप करता है तो उसे बोलते हैं एक बार धड़कना। कितने बार, एक बार धड़कना कहते हैं, किसका, दिल का धड़कना। तो ये कितने, ये 0.8 सेकंड में, कितने 0.1 सेकंड में। अब कहोगे सर इतना सारा काम, बिल्कुल भाई, ये 0.8 सेकंड में आपकी हार्ट बीट एक बार होती है, एक बार हार्ट ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। अब देखो जब इसने ब्लड को पंप किया, यानी आपका क्या होगा, ध्यान से देखना, जैसे ह्यूमन हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो ब्लड को क्या किया, पंप किया। पंप कैसे करेगा, अब देखो ये हमारा हार्ट है, जब हार्ट धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ब्लड पंप होगा, और जब हार्ट धीरे धीरे रिलैक्स होगा तो याद रखना अब ब्लड का पंप नहीं होगा, जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारे हार्ट में आएगा। दोबारा सुनो, जब ह्यूमन हार्ट क्या करेगा, दोबारा सुनो, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तब मानव के शरीर के सभी अंगों तक ब्लड सर्कुलेट करेगा। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। लेकिन जब ये रिलैक्स होगा, जब ये क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो जो मानव के शरीर के सभी अंगों में इम्प्योर ब्लड है किसके कारण, तो याद रखना ऊर्जा के बनाने के कारण से, तो अब वो इस इम्प्योर ब्लड से वो रिलैक्स होकर के सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से वापिस हार्ट में लेके आएगा। तो हार्ट में कितने बार ब्लड आया दोस्तों, दो बार, एक बार इम्प्योर ब्लड और एक बार प्योर ब्लड। इसलिए कहते हैं हार्ट में दोहरा परिसंचरण होता है, ब्लड दो बार आता है, एक बार प्योर ब्लड और एक बार इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी लोग समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई हल्का सा भी डाउट रह गया और रत्ती भर, तो कमेंट करके आप सभी बच्चे जरूर बता देना। इसके बाद अगली क्लास में हम ब्लड प्रेशर को समझेंगे कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये जो हार्ट बीट बन रही है ना, हार्ट बीट, एक हार्ट बीट बनने में सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, और जब जब ये हमारी वॉल्व खुलती है और बंद होती है तब यहां से एक आवाज आती है, लब डब लब डब लब डब। तो ये आवाज कैसे आती है, कितने समय में आती है, उन सब चीजों को हम देखेंगे। हाई बीपी क्या होता है, लो बीपी क्या होता है। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं विराम देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अगली क्लास बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।